नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है और आज सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन ही उत्तर प्रदेश का आम बजट पेश किया जा रहा है। इस आम बजट में सरकार एक तरफ जहां ये बात कह रही है कि ये जो आम बजट है ये युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए एक बेहतरीन बजट साबित होने वाला है, इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये जो बजट पेश होने वाला है ये बेहतरीन होगा, वहीं एक दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसके साथ साथ विपक्षी दल के नेता ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने ये बात कही थी जब संकल्प पत्र जारी किया गया था पिछले साल, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र में, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये बात कही थी कि साल में दो बार यानी कि बड़े त्यौहार पर दिवाली और होली के त्यौहार पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना वालों को एक गैस सिलेंडर यानी कि साल में दो गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, लेकिन उस वक्त दिवाली के वक्त उन्हें गैस सिलेंडर मुफ्त नहीं दिया गया, जिसके बाद अब ये बात विपक्षी दल कह रही है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता, ये विधानमंडल जो सदस्य हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अब होली आ चुकी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकार अपने वादे पर खरे उतरे, जो वादे उन्होंने अपने संकल्प पत्र में किए थे उस पर वो खरे उतरे और होली के त्यौहार पर, होली के खास मौके पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना धारकों को एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाए। इसके साथ साथ तमाम मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के पहले इस बजट को युवाओं के लिए, जनता के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खास बताया। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही है कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो आम बजट पेश हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है, बहुत ज्यादा खास होने वाला है, पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने ये बात कही है कि वो सिर्फ गाना गाने पर ही विश्वास रखते हैं तो वो गाना ही गाए, ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का आम बजट आज पेश होगा, इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके साथ साथ हम आपको एक बात और एक और अहम जानकारी देने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो आज चौथी बार आम बजट पेश करने वाले हैं और आज वो चौथी बार आम बजट पेश करके उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बराबरी करने वाले हैं। इससे पहले मायावती ने चार बार उत्तर प्रदेश का आम बजट पेश किया है और आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना चौथी बार उत्तर प्रदेश का आम बजट पेश करेंगे। इस बजट में और क्या कुछ खास निकलकर सामने आएगा, जनता के लिए ये कितना हितकारी साबित हो रहा है, कितना बेहतरीन साबित हो रहा है, इससे जुड़ी हर ताजा अपडेट, ताजा जानकारी हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।